हमने पिछली वीडियो में मैकलॉज मेथड को समझा था और उसे नमेरिकली समझने के लिए एक बीम का उदाहरण लिया था और उससे मैंने जनरल इक्वेशन ऑफ स्लोप एंड जनरल इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन निकाला था। और इसमें जो कांस्टेंट है C1 एंड C2, इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें बाउंड्री कंडीशन का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने बाउंड्री कंडीशन को भी पार्ट टू में समझाया था। अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मेरे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का जो पार्ट वन एंड पार्ट टू है उसे देख सकते हैं। चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्लोप है और ये जनरल इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन है। C1 एंड C2 का वैल्यू फर्स्टली फाइंड करना है मुझे। तो यूजिंग बाउंड्री कंडीशन एट x बराबर 0 y इक्वल्स टू 0 एट सपोर्ट A, तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में, ये वैल्यू पुट करेंगे ei। यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, x बराबर 0 पे 0 एट x बराबर 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये टोटली 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि सब करने के बाद 0 आए या फिर निगेटिव आए उसे हम 0 ही कंसीडर करते हैं। यहाँ पे 0 अगर रखा गया तो -2 आएगा, बट माइनस में अगर वैल्यू आते हैं मैकलॉज मेथड में तो उसे हम 0 कंसीडर करते हैं, इसलिए यहाँ पे भी जो है आपका 0 हो जाएगा। प्लस C1 इंटू एक्स मीन्स 0 प्लस C2 मीन्स आपका C2 बराबर जो है 0 हो गया। नाउ अगेन यूजिंग बाउंड्री कंडीशन एट x बराबर 6 मीन्स एट सपोर्ट B y इक्वल्स टू 0 मीन्स यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन जो होगा वो 0 होगा। तो हम जो वैल्यू पुट करेंगे वो जनरल इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन में पुट करेंगे ई आई वाई। यहाँ पे y मीन्स डिफ्लेक्शन क्या है, 0 पुट किया। माइनस 8 इंटू एक्स क्यूब, x की जगह हम 6 पुट करेंगे, इसका क्यूब बाय 6 प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स की जगह पे अगर हम 6 पुट करेंगे तो 6 माइनस 2 मीन्स 4, 4 का क्यूब बाई 6 प्लस C1x मीन्स C1 इंटू एक्स की जगह पे हम 6 पुट करेंगे, C1 इंटू 6। इस प्रकार C1 बराबर जो है 208/3 किलोमीटर मीटर स्क्वायर, 69.33 किलोमीटर मीटर स्क्वायर आएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 इन जनरल इक्वेशन ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। अब हम C1 एंड C2 का वैल्यू जो है जनरल इक्वेशन ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में पुट करेंगे। तो फर्स्टली हम जनरल इक्वेशन ऑफ स्लोप में पुट करते हैं EI dy/dx माइनस 8x² / 2 8x² / 2 प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस C1 का जो वैल्यू है 69.33। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 इन जनरल इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन EI y माइनस 8x³/6 प्लस 12x-2 का होल क्यूब बाई 6 प्लस C1x मीन्स C1 का वैल्यू जो है 69.33 इंटू एक्स प्लस C2 का वैल्यू जो है 0 हो गया। C1 एंड C2 का वैल्यू पुट करने के बाद जनरल इक्वेशन ऑफ स्लोप ये है और जनरल इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन ये है। अब हमें जो है इस बीम में स्लोप एट सपोर्ट ए एंड बी फाइंड करना है, डिफ्लेक्शन अंडर द लोड फाइंड करना है एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा वो फाइंड करना है। तो फर्स्टली जो हम स्लोप एट सपोर्ट ए फाइंड करते हैं, स्लोप एट सपोर्ट ए मीन्स एट एक्स बराबर 0 dy/dx दैट मीन्स स्लोप एट सपोर्ट ए इक्वल्स टू वाट। तो हम क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ जो स्लोप है उसमें हम x बराबर 0 पुट करेंगे तो हमें जो है dy/dx एट स्लोप एट सपोर्ट ए मिल जाएगा। EI dy/dx एट सपोर्ट ए इक्वल्स टू माइनस 8x² / 2 एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा प्लस 12x-2, यहाँ पे x बराबर 0 पुट करने से निगेटिव वैल्यू आएगा। जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि निगेटिव आए या 0 आए दोनों केस में हमें यहाँ पे 0 ही लेना है, तो ये 0 हो जाएगा और ये बच जाता 69.33। नाउ dy/dx एट सपोर्ट ए मीन्स स्लोप एट सपोर्ट ए इक्वल्स टू 69.33 किलोमीटर मीटर स्क्वायर बाई ई आई। ई का वैल्यू हम
ये लेते हैं और आई बराबर 1.8 इंटू 10 की पावर 9 mm 4। इस तरह से जो है हमें सभी का वैल्यू पुट करने के बाद स्लोप एट सपोर्ट ए 0.00019 रेडियन आता है। स्लोप एट सपोर्ट बी फाइंड करना है, तो स्लोप एट सपोर्ट बी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स बराबर 6 पुट करेंगे इन जनरल इक्वेशन ऑफ स्लोप, तब हमें जो है डीवाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू मिलेगा वो स्लोप एट बी होगा। नाउ ई आई डी वाई बाई डी एक्स एट सपोर्ट बी इक्वल्स टू माइनस 8 एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स के जगह हम 6 लेंगे 6 स्क्वायर बाई 2 प्लस 12 एक्स माइनस 2 मीन 6 माइनस 2 यानी 4 स्क्वायर बाई 2 प्लस 69.33। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट ई एंड आई एंड सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ स्लोप एट सपोर्ट बी इक्वल्स टू 0.00005925 रेडियन। अब हमें डिफ्लेक्शन अंडर लोड, लोड जो है आपका सपोर्ट ए से 2 मीटर की दूरी पर लग रहा है, मतलब मुझे जो डिफ्लेक्शन फाइंड करना है वो सपोर्ट ए से 2 मीटर की दूरी एट एक्स बराबर 2 तो क्या डिफ्लेक्शन होगा वो फाइंड करना है। तो एट एक्स बराबर 2 पर डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन है ई आई वाई इक्वल्स टू माइनस 8 एक्स क्यू बाई 6 प्लस 12 एक्स माइनस 2 का होल क्यू बाई 6 प्लस 69.33 इंटू एक्स, इसमें हम क्या करेंगे एक्स के जगह पे 2 पुट करेंगे तो हमें जो वाई का वैल्यू जो इसमें मिलेगा वो होगा डिफ्लेक्शन अंडर द लोड। नाउ ई आई वाई एट एक्स बराबर 2 इक्वल्स टू माइनस 8 एक्स क्यू दैट मीन्स 2 का क्यू बाई 6 प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 2, यहाँ पे एक्स बराबर 2 है इसलिए ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा प्लस 69.33 इंटू एक्स, 69.33 इंटू एक्स के जगह पे 2। नाउ डिफ्लेक्शन एट एक्स बराबर 2 इक्वल्स टू 128 किलो न्यूटन मीटर क्यूब बाय ई आई, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई एंड आई वी गेट द डिफ्लेक्शन अंडर द लोड इक्वल्स टू 0.355 mm। अब थर्ड एंड लास्ट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फाइंड करना है, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फाइंड करने से पहले ये ध्यान रख ले कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो होता है बीम में वहीं पे उसी पोजीशन में अकर होता है जहाँ पे आपका जो स्लोप हो वो 0। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फाइंड करने से पहले हमें वो पोजीशन फाइंड करना होगा बीम में जहाँ पे हमारा जो स्लोप 0 है, तो उसके लिए हम जनरल इक्वेशन ऑफ स्लोप में डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम 0 पुट करेंगे और इसके बाद एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और उसके बाद मुझे एक्स का वैल्यू जो है 2.74 एंड 9.26 मिला, क्योंकि ये जो स्पान है वो 6 मीटर का ही है इस कारण 9.26 अकर नहीं होगा, इसलिए हम एक्स बराबर 2.74 लेते हैं और एक्स बराबर 2.74 लेकर के जो है इस वैल्यू को हम जनरल इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन में पुट करते हैं तो हमें वाई का जो वैल्यू मिलेगा वो हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। इस प्रकार वाई मैक्स जो है हमें 0.453 mm आती है। इस तरह से आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का लगभग सारा टॉपिक कवर हो गया है और जिस प्रकार से मैंने इस प्रॉब्लम को बनाया है उसी तरह से सभी प्रॉब्लम बनेंगे, बस आपको डिफरेंस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो एम एक्स निकालना है वो अगर आप निकाल लेते हैं तो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए सभी क्वेश्चन को आसानी से मैकलॉज मेथड का यूज़ करते हुए बनाया जा सकता है।